हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ पिंकेश ठकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूँ जिसको लेकर मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इस स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अगर आप पिछले 10 साल को कंपेयर करेंगे। और आज कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से इस स्टॉक की पिटाई हुई है वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। तो मैंने इसके ऊपर इसके पहले वीडियो बनाया था, फंडामेंटल एनालिसिस, जो एक काफ़ी लंबा वीडियो है, आप उसको पूरी तरह से वॉच कर सकते हैं। उसमें Q2 FY20 तक की रिजल्ट्स शामिल है, फिगर्स उसके अंदर में शामिल है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस ऊपर आई बटन के अंदर में डाल दूंगा। दोस्तों, आज शेयर के बारे में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, बिकॉज इस शेयर का रेट जो है आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा नीचे डाउन आ गया है। आप देखेंगे इसका शेयर अभी पहुंच गया है 2474 और आज की बढ़त इसमें 9% की देखी गई है। और जितने भी एनालिस्ट है, जितने भी लोग इस शेयर में निवेशक है, उन सब लोगों को देखकर दो तरह की चीज़ें फील हो रही होगी। एक तो उनका स्टॉक पोर्टफोलियो अगर वो देखेंगे, जब भी इन्होंने इसको ऐड किया होगा तो हो सकता है अभी भी वो मुनाफे के अंदर में हो, या फिर वो थोड़ा और खुश हो रहे होंगे बिकॉज उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फिर से पैसा पुट ऑन करना चाहिए। जब भी मार्केट डाउन होता है इस तरह से, जिस तरह की गिरावट आई है 30% 40%, तो वहाँ पर आपको मार्केट लीडर्स में ही पैसा डालना चाहिए। NBFC सेक्टर के अंदर में ये एक मार्केट लीडर है। आप मानिए ना मानिए, बजाज फाइनेंस एक ऐसा नाम है जो कई लोगों को जो है जिसके जुबान पर है जब भी वो कंज्यूमर प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं। और इनके बेहतरीन क्रॉस सेलिंग है और इस क्रॉस सेलिंग की वजह से इनके साथ में लगभग 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 4 करोड़ का इनका कस्टमर बेस है, ऑल ओवर इंडिया में ये है। तो आप अगर वो फंडामेंटल वीडियो जिसके बारे में मैंने आपसे कहा वो अगर देखेंगे तो उसके कुछ पार्ट्स जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरे बजाज ग्रुप, जो इनकी लिस्टेड कंपनीज है, उसके बारे में बता देता हूँ। तो इनकी सबसे बड़ी पैरेंट कंपनी है बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट, एंड आप देख सकते हैं उन्होंने होल्ड किया है बजाज ऑटो के अंदर में 35% और बजाज फिनसर्व के अंदर में 41%। उसके बाद बजाज फिनसर्व आप देखेंगे उन्होंने होल्ड किया है अराउंड 54% इन बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस के अंदर में दो कंपनीज और आती है, बजाज हाउसिंग एंड बजाज सिक्योरिटीज लिमिटेड। और आप देखेंगे इसके अलावा बजाज फिनसर्व जो है 74% बजाज लाइफ इंश्योरेंस और बजाज जनरल इंश्योरेंस के अंदर में होल्ड करता है। तो दोस्तों, जब मैंने वो वीडियो बनाया था, जब प्राइस ट्रेंड मेरे सामने था, वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 4125 रुपीज़ का उस समय प्राइस था। तो आप ग्रोथ दे सकते हो, जनवरी 2015 से अगर आप देखोगे 350 रुपये का ये स्टॉक जो है 4125 रुपये पर आया। तो किसी ने अगर 2015 में जो इस स्टॉक को लिया भी होगा तो भी अभी वो मजे में है पूरी तरह से। 2019 का जो इसका प्राइस था 2565 रुपये, उस पर ही वापस आ गया है लगभग। और उस समय मैंने कुछ कैलकुलेशंस करके अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताया था 4125 रुपए जब इसका रेट था तो कितने अपसाइड आने की चांसेस है। तो ये अपसाइड मैंने बताया था अराउंड 12% का अपसाइड आने की चांसेस है, लेकिन ये शेयर उसके बाद भी बहुत ज्यादा भागा और ये लगभग 5000 रुपए टच नहीं किया, उसके मामूली सा थोड़ा पर ये पहुंच गया और उसके बाद से डाउन होना शुरू हो गया। और डाउन होने के रीजन जो है इंटरनल नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियोस जो बन रहे हैं, जिस तरह के हालात क्रिएट हुए हैं। स्लो डाउन के बावजूद भी इन्होंने Q3 FY13 के अंदर में बहुत ही शानदार रिजल्ट्स दिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इन्होंने जो सिनॉप्सिस दिया है अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर में, तो उनका AUM जो है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसको आप कह सकते हैं कि जितना इन्होंने लोन बांटा है, ये है 1,45,000 करोड़ रुपए का, जिसमें Y-on-Y ईयर-on-ईयर ग्रोथ हुई है 35%। दैट्स एक्सीलेंट। अगर आप इनका OPEX to NII देखेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं इनकी इनकम यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के मुकाबले, तो उन्होंने 1% की यहां पे इफिशियंसी दिखाई है। और पिछले क्वार्टर के अंदर में इन्होंने कैपिटल रेजिंग भी की थी, QIP राउंड किया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से इन्होंने पैसे उठाए थे लगभग 8,500 करोड़ रुपए। आप सोचिए, इतना विश्वास है कि $1 बिलियन से ज्यादा पैसा जो है एक कंपनी के अंदर में डाल दिया QIPs ने। और दोस्तों, इनका पैट रहा है 1614 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इनको जो है पिछले क्वार्टर के अंदर में काफ़ी फायदा भी हुआ, टैक्स रेट्स इनके कट हो गए, और इसके अलावा जो कैपिटल रेस इन्होंने किया तो इनकी जो
रिटर्न ऑन इक्विटी है उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज देख लेते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे इनके पिछले क्वार्टर के अंदर में, तो आप इनको देख सकते हैं दोस्तों, इनके पास में है 4 करोड़ कस्टमर्स। आप वो फिगर देख रहे होंगे, आप देखिए 40.38 मिलियन कस्टमर्स इनके पास में है। इतना बड़ा नेटवर्क बॉस, बहुत कम कंपनीज का ऐसा होता है, बैंकों के पास हो सकता है, लेकिन दोस्तों काफी अच्छा नेटवर्क इनके पास में है। और यहां पर देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 5 उन्होंने क्या लिखा है जो बहुत ही एक्साइट करता है इसके बिजनेस के लिए, वो लिखा है एग्जिस्टिंग कस्टमर कंट्रीब्यूटेड 68% ऑफ न्यू लोन बुक्स ड्यूरिंग Q3 FY20। तो जिनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो न्यू लोन बुक में आप कंट्रीब्यूशन है 70% के करीब करीब का, तो इनको पास दूसरे कस्टमर्स अक्वायर करने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि इनके पास में जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग बेस इन्होंने बना के रखा है क्रॉस सेलिंग के लिए, नए प्रोडक्ट्स के लिए। मुझे भी याद है जब भी लोन मुझे ऑफर किए, मैंने लोन लिया, चुका दिया, उसके बाद में इन्होंने उसके बाद और 2-3 प्रोडक्ट्स मेरे को चुपकाए। यू नो व्हाट, दिस इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग, सिनर्जी इफेक्ट कहते हैं इसमें। प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल, कैपिटल में मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूंगा, इनका टीयर वन कैपिटल, हर बैंक के अंदर में कैपिटल एडिक्वेसी देखी जाती है, टीयर वन कैपिटल देखिए इनका 23.16%, अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। आप बंधन बैंक का देखेंगे 28% पर आपको दिखेगा, बहुत ही शानदार है, बहुत ही कम बैंक्स का ऐसा है। आप देखेंगे मार्केट लीडर HDFC बैंक वगैरह के लेवल पर इनका टीयर वन कैपिटल है, दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। अगर आप इनका शेयर होल्डर प्रोफाइल देखेंगे दोस्तों, तो प्रमोटर ग्रुप के पास अभी भी 56% शेयर्स है, और आप देखेंगे एकदम नीचे आप देखेंगे 20th नंबर पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी इसमें निवेश करके रखा है, और भारत के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर में पैसा डाल के रखा है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है 56%। अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंट्स का देखेंगे तो ये 8.82% आता है, तो बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का। मुझे लगता है जहाँ पर कम स्टेक होता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वहाँ पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ पैसा डालने के लिए। और एक बहुत ही शानदार चीज़ आप इस स्लाइड के अंदर में देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है 12 ईयर CAGR 42%, बॉस अमेजिंग। ऐसी बहुत कम कंपनीज है भारत के अंदर में जो इन्होंने इतना बेहतरीन ग्रोथ रेट दिखाया है अपने AUM के अंदर में 42%, और जहां तक हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की 62%, अमेजिंग। और एक फिगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे में दोस्तों, इनका आपको नेट NPA दिख रहा होगा, नेट NPA कितना है 0.63%। अगर आप HDFC बैंक की बात करेंगे 0.56% उनका NPA है, ये 0.63% पर है दोस्तों। HDFC बैंक के लेवल के फिगर्स इनके पास में है डिस्पाइट बीइंग एन NBFC, इज समथिंग रियली वेरी अमेजिंग। और वो कंपनी अपने पीक से आपको 50% डिस्काउंट के अंदर में मिल रही है, इट्स अ अमेजिंग थिंग। अगर दोस्तों इनके नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो YoY बेसिस के अंदर में Q3 FY20 के अंदर में 42% का ग्रोथ इनका रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 52% का ग्रोथ रहा है, और OPEX यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, एंड दैट रेशियो इज 33%, यहां पे वो इफिशियंट हो गया है 1% से। अब दोस्तों इनका लाइबिलिटी मिक्स देख लेते हैं, व्हाई, बिकॉज आपको अगर पैसा बांटना है तो आप कहीं ना कहीं से तो पैसे ले रहे हैं, तो इसके लिए वो लोग कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, या फिर जो है इनके पास में बैंक लोन लेने का ऑप्शन रहता है, या फिर इन्होंने जो नई चीज़ शुरू की है जो बहुत ही बेहतरीन रखती है वो है फिक्स डिपॉजिट्स का। तो इनिशियली ये लोग फिक्स डिपॉजिट्स नहीं रखते थे लोगों के अपने पास में, पर इन्होंने ये शुरू किया मार्च 2013 से इन्होंने इसको शुरू किया है। आप देखेंगे ये लगातार बढ़ते बढ़ते 21% तक पहुंच गया है, और आप देखेंगे जो ये लोग पैसा उठाते थे बैंक्स लोन्स वगैरह के पैसे जो है वो कम करते गए हैं, अब जो ये पैसा उठाते हैं लोगों को देने के लिए उसमें से 32% बैंक से उठाते हैं, 21% पब्लिक जनता इनको देकर जाती है जो कम कॉस्ट पे आ जाता है दोस्तों, उसके बाद में 37% जो है इनके पास में आती है अराउंड NCDs वगैरह एंड सबॉर्डिनेट्स डेट्स वगैरह एंड बाकी जीरो कूपन बॉन्ड्स वगैरह इनके पास है। तो ये बहुत ही सॉलिड फिगर दिखता है कि इनकी लाइबिलिटी में 21% एक ऐसा कॉस्ट ऑफ फंड है जो सस्ता है, और दोस्तों यहाँ पर ये लोग जो है काफ़ी अच्छा जो है अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन लेकर आ जाते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं, आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर में टोटल इनके पास में कस्टमर फ्रेंचाइजी है 4 करोड़ कस्टमर्स की। इट्स समथिंग रियली अमेजिंग। और दोस्तों इनके अंडर में आती है एक सब्सिडियरी इनकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। यहां पर हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से ये हाउसिंग लोन देते हैं, तो आप देखेंगे 89% सैलरीड लोगों को इन्होंने हाउस लोन दिए हैं, तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड्स को ये लोग देते हैं 6%, प्रोफेशनल्स को देते हैं ये 5%। दोस्तों बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है इनके आंकड़े हैं, ये मजबूती दर्शाता है दोस्तों, एक प्रकार से स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर कंपनी की। और इस स्ट्रेंथ के मुकाबले ही, इस स्ट्रेंथ के बूते ही जो है ये इतना बेहतर तरीके से जो है आगे आ पाए हैं। ये इनका नेटवर्क है, आप देख सकते हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में इनका नेटवर्क है। हाँ, राजस्थान के इलाकों में वहाँ पे कम दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं रहती है, नॉर्थ ईस्ट में भी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, तो पूरे देश भर में ये फैला हुआ है। बॉस, आप किसी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल दुकान पे आप चले जाइए, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस के लिए समझा जाता था। अभी मैंने आपको एनपीए की स्लाइड दिखाई थी, उसके अंदर में आपने ये नहीं देखा शुरू में इनका एनपीए 7% हुआ करता था, तब वो ऑटो फाइनेंस किया करते थे, और वहां से उन्होंने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया। बहुत बजाज फाइनेंस के बारे में अब तो भाई बहुत सारे लोग जानते हैं, इनके फैमिली के जो मैटर्स है वो भी लगभग सुलझे हुए दिखते हैं, कितना बंटवारा होने वाला है, क्या होने वाला है, सब कुछ सुलझा हुआ दिखता है। अब दोस्तों थोड़े रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो इस पे रिस्क ये रहेगा कि Q4 का जो इनका रिजल्ट रहेगा FY20 का, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मामूली से NPAs बढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ उसके नेक्स्ट क्वार्टर यानी Q1 FY20 में, तो यहाँ पर अच्छे खासे आपको जो है प्रोविजंस बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो एक प्रॉब्लम जो है बिजनेस के ऊपर में भी रहेगा बिकॉज लॉकडाउन की सिचुएशंस है। तो ऐसे केस के अंदर में आप ध्यान रखिए कि अगले 3 महीने के बाद भी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो ये शेयर जो है ऊपर नीचे रहेगा। तो व्हाटएवर अगर आप इसमें से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा खासा रिटर्न, तो आपको 1 साल के लिए तो रुकना ही पड़ेगा, पर मुझे इससे काफी अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है बिकॉज जिस रेट पर ये मिल रहा है वो बहुत ही कम है। सो दोस्तों ये सभी बातें जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। इस रेट पर ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप जब भी इसमें जो है वापस ग्रोथ आते हुए देखेंगे, वापस इसके प्राइस को जो है ऊपर बढ़ते हुए देखेंगे, तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप लोगों को इस कंपनी के अंदर में निवेश करना चाहिए तो SIP मोड पर ही कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए है, तो 20,000 रुपए से शुरुआत कीजिए, फिर इसको जो है 1 हफ्ता 15 दिन या 20 दिन के बाद देखकर फिर 20,000 रुपए डालिए, और ऐसे करके अपने निवेश को कीजिए। और आप जितने भी निवेश आप कर रहे हैं उसको 1-2 महीनों के अंदर में स्पेन के अंदर में ही करें, एकदम से पूरा पैसा ना डाल दे ये सोच के कि बॉस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ बढ़िया है, इतना मार्केट है, यहां रुक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। नीचे भी जा भी जाए तो भी आपको जो है अपने SIP मोड को ऑन रखना चाहिए, धीरे धीरे चीजें करनी चाहिए। आप इस शेयर में निवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों आप डाइवर्सिफिकेशन के प्रिंसिपल्स को जरूर फॉलो कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आपके पास में अच्छा खासा कैश फंड भी पड़ा होगा, आपने कुछ पैसा गोल्ड के अंदर में भी डाला होगा, तो कुछ पैसा जो है डेट फंड्स के अंदर में डाला होगा, और फिक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, ये मैं आपसे जो है आशा करता हूं। तो दोस्तों इसी तरह की और टिप्स के लिए, वीडियोस के लिए आप बने रह सकते हैं, हम इसमें भी पर्सनल फाइनेंस की भी चीजें डालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी कॉमेंट है, हर कंस्ट्रक्टिव कॉमेंट का जो है आपको रिप्लाई मिलेगा, नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।